नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां हम यहां पर जो से जुड़े हुए जो बड़े व्यापारी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो की मंडी के अंदर क्या स्थिति है। मार्केट टाइम टीवी में आपका स्वागत है। बताइए। मेरा नाम प्रेम गुप्ता है, घासोली ट्रेडर्स से मेरी फर्म यहाँ पर है और मैं जौ का सप्लायर हूँ माल्ट कंपनियों का। फिलहाल क्या वर्तमान स्थिति है? वर्तमान स्थिति में जो कि क्रॉप बढ़िया इस बार कृपा से, प्रभु कृपा से अच्छी क्रॉप हुई है। पैरामीटर क्वालिटी पैरामीटर में 80% क्वालिटी पास है और सभी पैरामीटर पर क्वालिटी सही है। जो कि कुल पैदावार कितनी देख रहे हैं? जो कि पैदावार इस साल 18 लाख 17 लाख टन का मैं आंकड़ा लेके चल रहा हूँ। बाकी लास्ट ईयर 2023 में यही क्रॉप 25 लाख टन थी, जो गत वर्ष से 25-30% क्रॉप कम है। अभी जो की बियर कंपनियों के अलावा किन किन इंडस्ट्री से मांग निकल कर आ रही है? जो के जो एक्चुअल में एक तो माल्ट कंपनी के जाता है और दूसरा फीड कंपनियों में जाता है। इसका फीड बनता है जो पशुओं के लिए पौष्टिक होता है और बकायदा भारत सरकार ने जो कि इंडिविजुअल एक इनिशियल मात्रा जो है वो डालना अनिवार्य कर रखा है। जो में फाइबर होता है वो पशुओं के लिए भी और गुणकारी होता है और काफी ठीक डिमांड है। क्या कारण है कि जो के दाम 2000 से नीचे बने हुए, क्या कारण मानते हैं इसको? दरअसल लास्ट ईयर क्रॉप बहुत ज्यादा थी और उसमें आप ये माने 1/3 अप्रोक्स 7 लाख 6 लाख टन वो क्रॉप का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक आ रहा है और इस साल 17 लाख टन। दूसरा नंबर विदेशी बाजार भी काफी डाउन है और एक बेहतरीन क्वालिटी का जौ 2200 रुपये आल पेड़ यूक्रेन का अच्छी क्वालिटी का माल्ट कंपनियों को उपलब्ध हो रहा है, इसलिए इसके रेट डाउन। जौ का आने वाला भविष्य को क्या देखते हैं? भविष्य ये है कि सर अगर बाहर से आने वाला जो महंगा हो जाए या गवर्नमेंट इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे तो इसमें 100 रुपये 200 रुपये बढ़ सकते हैं। बाकी कोई बहुत बड़ी तेजी हमें जौ के अंदर नहीं दिखती, ना कोई अच्छा भविष्य दिखता है। किन किन राज्यों में जौ की पैदावार है ज्यादा है? जौ के लिए तो मेन पैदावार होती है राजस्थान में, MP में, हरियाणा में, थोड़ा बहुत UP के अंदर। ये चार ही स्टेट हैं जिसमें जौ सबसे ज्यादा पैदा होता है। अभी सरकार की तरफ से मोटे अनाज पर भी इस बार खासा ध्यान दिया जा रहा है। मिलेट की बात कर रहे हैं तो क्या मिलेट के बढ़ते प्रयोग से जो पर कुछ असर है, लेकिन कीमतें जो है बढ़ती नहीं देखी जा रही है? देखो, सरकार ने मिलेट के लिए मोटे अनाजों के लिए जो एक सपोर्ट किया है, बूस्ट किया है, ये नमस्कार योग्य सरकार का फैसला रहा। एक्चुअल में देश में पानी की समस्या से बहुत ज्यादा परेशानी है और सरकार गन्ना, आपका धान और आपका गेहूं, ये सबसे ज्यादा पानी की फसलें थी। उससे किसानों का चेंज करने के लिए, मूड डाइवर्ट करने के लिए कम पानी की फसल मोटे अनाज को प्रमोट कर रही है और प्रमोट के लिए उसने सीरियन का भी उपाधि से अनुकृत किया है मोटे अनाज को। तो मैं समझता हूँ कि सीरियन के लिए बाजरा, जौ, रागी, ये जो मोटे अनाज जो कम पानी में पैदा होते हैं उसको सरकार प्रमोट कर रही है। बीते साल के मुकाबले दाम स्थिर है या मंदी देखी जा रही है? बीते साल इंपोर्ट था सर 2900 रुपये, 2900 रुपये, ठीक है, इंपोर्ट नहीं हुआ, ठीक। इस बार इंपोर्ट के रेट है 2200 रुपये, ठीक है, लेकिन भारत सरकार, भारत का जो बाजार है वो लगभग इक्विवेलेंट है। लास्ट ईयर 2023 में क्रॉप शुरुआत में बिकी थी 2100 रुपये और MSP था 1715 रुपये, लेकिन फिर भी MSP के उसको मैनेज करते गए और इस बार MSP है 1850। आज भी बेस्ट क्वालिटी का जो ऑल ओवर इंडिया में 1850 से कम कहीं नहीं। बीते साल के मुकाबले जो उत्पादन है वो कितना है अब की बार? बीते साल हुआ था 25 लाख टन, इस बार मैं 18 लाख टन आके चल रहा हूँ, 18 लाख टन। अलवर जिले की बात की जाए तो अलवर जिले में जो की क्या स्थिति देख रहे हैं? अलवर जिले में एक्चुअल में ड्राफ्ट जोर में है, पानी है नहीं और गेहूं के लिए चाहिए 5 पानी, जौ के लिए चाहिए 3 पानी। वास्तविकता में गेहूं और जौ के उत्पादन में अलवर जिला डे बाय डे हर साल पिछड़ता जा रहा है।
अब भारत सरकार की योजना है कि पीने के लिए, पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए ERCP योजना जो लाई है उसके देखते हैं, लेकिन वर्तमान में तो अनाजों के लिए बढ़िया नहीं है। अभी चालू सीजन में अगर बात की जाए तापमान बहुत अधिक बढ़ेगा और माना जा रहा है कि बियर की भी मांग अभी से बढ़ने लगी है, इसका फायदा जो कारोबारी और किसानों को होगा? बिल्कुल, कारो लाभ डिमांड निकलेगी तो खपत हो जाएगी ना। अभी इतना माल रखा हुआ है गोदामों में, जगह ही नहीं है, माल कंपनी बाइंग में नहीं है, उनके पास उतारने के लिए जगह नहीं है, तो गर्मी पड़ेगी तो इसकी डिमांड नो डाउट माल्ट कंपनी में भी आने वाली है और जो घाट सत्तू धानी उनके अंदर भी डिमांड आने वाली है। तो 100% माल जब स्टॉक में थोड़ा कम होगा तो कुछ बाजार सुधरने का उसमें पूरा संभावना। आज मंडी के अंदर जो कितनी है और कितनी आवक है? अप्रोक्स 500-700 बैग जो अलवर मंडी में आ रहा है और मंडी में कम आ रहा है, बाहर की बाहर बिक रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ किसान की उपज पर 2.10% यानी एक क्विंटल जौ पर अप्रोक्स 40 रुपये टैक्स जाता है। बाहर जो छोटे छोटे घाट के प्लांट चलाते हैं या धाणी बनाते हैं या कुछ और कैटल फीड में नियोजन करते हैं, वो बिना मंडी टैक्स चुकाए बाहर की बाहर ज्यादा व्यापार हो रहा है। मंडी में आने वाले टाइम में और भी कम आमद होने वाली, केवल जौ के लिए नहीं, एवरी कॉमोडिटी। वास्तविकता में ये मंडी टैक्स नहीं था, ये मंडी फीस थी। यहाँ सुविधाएं मिलती थी किसानों को, व्यापारी को, और वो मंडी फीस होती थी 0.5%, 1%। अब उसको बढ़ा बढ़ा कर पूर्व सरकार ने उसको 2.21%, तो वो आज इतने जागरूक हो गए किसान की, वो बाहर बिना टैक्स चुकाए, जो बिना टैक्स चुकाए व्यापार कर रहे हैं छोटे व्यापारी, वहाँ बेच रहे हैं और दो नंबर में आ रहा है, दो नंबर में जा रहा है, इसलिए मंडी में आमद कम है, बाकी क्रॉप कम नहीं है। तो अभी जो भाव की अगर आप बात की जाए तो जो के भाव में उतार चढ़ाव भी देखा जा रहा है और मंडी के अंदर आवक भी कम है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? नहीं, उतार चढ़ाव तो कुछ भी नहीं हो रहा है, उतार चढ़ाव तो विगत 9 महीने से यही रेट चल रहा है, जो कि पिछले मई 2023 से अब अप्रैल 2024 आ गया, इक्विवेलेंट रेट 1800-1850 यही रेट चल रहा है, यानी कि वो बढ़ोतरी नहीं है। नहीं, नहीं, और आगे भी कुछ उम्मीदें लग रही है बढ़ोतरी होने की उम्मीद? आप बताइए ना, 2200 इम्पोर्ट जो पड़ रहा है बढ़िया क्वालिटी का, बेहतरीन क्वालिटी का, अच्छे बारदाने में पैकिंग का, तो इंडिया का जो मैक्सिमम बिकेगा 2050 आलपेट, 2050 रुपए आलपेट के नाम पर 1850 के अप्रोक्स मंडी में बिकती थी, वो भाव है। तो अभी अपने पास ये मंडी के अंदर कहाँ कहाँ से जो की आवक जो है दिन सारी है? जो बांदी कोई, महुआ, मंडावर, थानागाजी, विराटनगर, नारायणपुर, मालाखेड़ा, बड़ौदा में, लक्ष्मणगढ़, यहाँ के आसपास के 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर के दायरे से जो आ रहा है। तो अब जैसे बात की जाए तो यहाँ से जो मंडी से जो है मीलों में जा रहा है, तो कौन कौन सी मील ऐसी है प्रमुख रूप से जो आपको मार्ट के? आपको जानकारी दे दें, विगत 15 दिन से मात्र 10% जो ही मीलों में गया है, 90% में आप 60% स्टॉक में जा रहा है, 20-30% कैटल फीड में और घाट वालों के यहाँ जा रहा है। अगर कोई ये कहे कि माल्ट की वजह में माल जा रहा है, माल्ट में केवल केवल 10% जो गया है, मैं माल्ट का पिछले 10 साल से काम करता हूँ, ऐसी कम डिमांड और ऐसी बुरी स्थिति मैं पहली बार फेस कर रहा हूँ। माल्ट कंपनियां बाइंग में नहीं, 4-4 दिन से गाड़ियां खाली नहीं हो रही। ऐसा क्या कारण मानते हैं? उनके पास स्टॉक है, पूरे साल का, आने वाले 1 साल की डिमांड का स्टॉक उनके पास है, विदेशी माल 2200 रुपए में मिल रहा है, तो वो बाइंग कहाँ से करेंगे, कितनी करेंगे और किस लिए करेंगे? तो अगर अभी जो की बात की जाए तो क्वालिटी की अगर बात की जाए तो क्वालिटी कैसी आ रही है फिलहाल? क्वालिटी बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अच्छी फाइन क्वालिटी। ये हमारे साथ में व्यापारी थे, उन्होंने बताया कि जौ की जो आवक है वो अभी मंडी में कम हो पा रही है, भाव भी कम मिल पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह जौ के भाव में बढ़ोतरी होगी, जो आवक है वो भी बढ़ सकती है। नितिन शर्मा, अलवर।